जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट असद कमाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अपना समाला टीवी। तो जी नाज़रीन, मैं इस वक्त अपने इलाके में मौजूद हूं और आज मैं आपको अपने इलाके में एक इंतहाई नायाब फल का हम विज़िट कराएंगे। आज से पहले ये फल आपने ना ही कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा, क्योंकि ये जो फल है ये ज़िला कोली के कुछ ही देहात हैं जिनमें पाया जाता है। तो इंतहाई मुफीद ये फल है और ये दरख्त के तने पर नहीं लगता, ये दरख्त के ये जड़ों में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं और आज हम आपको इस दरख्त का विज़िट भी कराते हैं और इसका फल भी जो जड़ों में पाया जाता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो आज हमारे जो कैमरा मैनी के जो फ़्रैज़ जो सरंजाम दे रहे हैं वो राजा फैसल साहब हैं, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे कज़न हैं। तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, शादोबाद रहें, खुश रहें। तो कुछ ही दिनों के बाद वो सऊदी अरब में जो है ना वो काम करते हैं, तो शायद चले जाएँ, क्योंकि फ़्लाइटें भी अभी खुलने की कोई हमें इतलात महसूल हो रही है। तो अल्लाह ताला हमको कामयाब करे। तो चलिए चलते हैं और आज हम आपको इस नायाब फल का विज़िट कराते हैं। हम उस नायाब फल के करीब पहुँच आए तो हमारे साथ राजा फैसल साहब भी मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं इस फल के बारे में। अच्छा फैसल साहब, आपने ये फल आज से पहले भी कभी खाया है? देखो जी, ये फल मेरे ख्याल से आगे पीछे तो नहीं देखा, ज़िला कोटली में ही है, वो भी कुछ चंद देहात हैं जिनमें है ये, बाकी और आगे पीछे नहीं है। मुमकिन है हो भी, लेकिन देखा नहीं है कभी। तो ये जो है ना, ये इस दरख्त के जड़ों में फल लगता है जी। तो ये ऐसा फल है जो कि मैंने भी आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोली के अलावा किसी भी दूसरे ज़िले में ये फल नहीं देखा, क्योंकि जहाँ जहाँ ये एक दरख्त होता है जो हमारे इलाके में कमीला, और ये एक होता है ये जामुन, ये जिस इलाके में ये दो दरख्त पाए जाते हों उस इलाके में ये जो फल का ये फल है ये पाया जाता है। तो अक्सर औकात ये चीड़, जहाँ ज़्यादा ये चीड़ें तो चीड़ों वाले जंगलों में ये दरख्त बहुत जो है ना ये कसरत में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं और आज हम आपको इस फल का बहुत करीब से विज़िट करते हैं। तो जी नाज़रीन, अभी हम आपको बस एक मिनट के अंदर अंदर वो फल दिखाते हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा दुश्वार गुजार है, तो थोड़ा सा देख कर चलना पड़ेगा, क्योंकि आज कल का जो ये मौसम है इसमें ये सौंप वगैरह भी पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा देख कर चलना पड़ेगा। तो ये सामने ना, अभी हम आपको इसका फल भी दिखाते हैं। अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, तो ये इसका दरख्त होता है। तो ये आप देखें ऊपर से कितना खूबसूरत और शानदार दरख्त है। तो अभी शाम का वक्त है, तो आपको शायद थोड़ा सा रोशनी में मसला आ रहा हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको। ये फल है तो इसको टुफल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि राजा फैसल साहब इस फल को थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं। तो ये इस दरख्त के बिल्कुल जड़ों में पाया जाता है, तो इंतहाई ये मुफीद फल है, और जितने भी जिगर के अमराज के लोग हैं इसको खा सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा रोशनी की कमी की वजह से आपको शायद सही तरीके से ये नज़र ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इसको जितना भी अच्छे तरीके से दिखा सकें।
दिखाएं, क्योंकि मेरे पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है और इसमें ये जो है ना कम लाइट में भी के वीडियो को कैप्चर करने की ताकत मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं ये फल है, और ये सामने हमारे भाई ताजा फैसल साहब जो कुछ दिनों के बाद सऊदीया में वापस रवाना हो जाएंगे, तो हमें भी वीडियो बनाने में काफ़ी मसला आएगा, तो इसका भी आलम को निकालना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कैसे ये बिल्कुल दरख्त के नीचे जड़ों में ये फल पाया जाता है। आप नाज़रीन ये भी देखें कि कितना प्यारा व्यू है, ये देखें आप, ये कैसे ये नदी इस जगह से गिरती थी, ये कोई यकीन कोई थोड़ी सी ऊंची डिड़वान है, तो इससे आप देखें कि कैसे पानी आता रहा और ये कैसे बिल्कुल जो है ना ये सरसब्ज हो चुकी है जगह। और ये भी आप देख सकते हैं, जिधर भी आप नदी दौड़ाएंगे तो आपको दिन्दे ही दिन्दे। आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, क्योंकि आज हमने जो आपको ये फल दिखाया कि क्योंकि ये फल दरख्तों की जड़ों में पाया जाता है और बहुत ही और ये जितने भी ये जिगर की बीमारी के लोग हैं इससे ये मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जितने भी व्यूवर इस वक्त मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।